अब करते हैं हम इसकी वायरिंग। वायरिंग के लिए हम एक वायर लेंगे, वायर का ऊपर का इंसुलेशन को हटाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे हम ये वाले टर्मिनल पे। इसको लूज कर लेते हैं। और ये ऐसे लगाएंगे। और इसको अच्छे से टाइट करेंगे। ये हमने कंडक्टर को कनेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हम लेंगे एक ब्लू कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे। ये इधर आप देख रहे हो, ये है इंडिकेटर इसके एक टर्मिनल पे। और वायर का जो दूसरा एंड है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो स्विच बोर्ड की हम वायरिंग कर रहे हैं ये एलईडी बल्ब की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमको इसमें सॉकेट के कनेक्शन नहीं करने हैं, ओनली फॉर एलईडी बल्ब के जो पॉइंट रहेंगे उसी के हम कनेक्शन करेंगे। और अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर, ये वाली वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे। और वायर का जो दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे। और अब फ्रेंड्स हम इसमें लेंगे एक रेड कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे, ये इधर इंडिकेटर है, इंडिकेटर के फेज वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट इसको कर लेते हैं। और वायर का जो दूसरा एंड है इसको हम कनेक्ट करेंगे ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ कनेक्ट करेंगे इसको। ये अभी बाहर निकल गया है, इसको थोड़ा मोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है स्विच हमने सेपरेट रखा हुआ है, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम एक लेंगे, ये जो आप देख रहे हो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 4 MFD का है, 4 MFD का कैपेसिटर है। और इसमें हम 3 बल्ब को आपको ग्लो करके दिखाएंगे। आप इससे 6 बल्ब को ग्लो कर सकते हो, वो भी आपकी 9 वाट की LED, 9 वाट की LED बल्ब जो होते हैं वो लगा सकते हो। अदरवाइज आप और भी ज़्यादा बल्ब लगा सकते हो। हम इसमें आपको 3 बल्ब लगा के दिखाएंगे। तो कैपेसिटर की 2 वायर है, 4 MFD का कैपेसिटर है ये, हम आपको बता देते हैं। ये वाली 2 वायर है इसकी, एक वायर को हमको कनेक्ट करना है। ये जो सिंगल कंडक्टर वायर यहाँ हमने कनेक्ट की है बीच में, ये देखिए तीनों यहाँ टर्मिनल पे कनेक्ट है, इसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको, ये वाला कर लेते हैं। और कैपेसिटर की दूसरी वायर जो है ये वाला इधर स्विच है, ये स्विच का इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। ये जो वायर कनेक्ट की है ये है इंडिकेटर के फेज के लिए वायर। और इसको हम लूज कर लेते हैं यहाँ से और इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसी वायर के साथ इसको कनेक्ट करके छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा कैपेसिटर के कनेक्शन। ये जो कैपेसिटर है ये फ्रेंड्स क्या करेगा, जब भी हमारी जो पावर आती है
उसमें फ्लैक्चुएट होती है, फ्लैक्चुएट के कारण हमारे एलईडी बल्ब जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। कभी थोड़ी सी हाई वोल्टेज होगी, फिर लो हो जाएगी, फिर हाई, फिर लो। उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि वोल्टेज को जल्दी सी हाई और लो नहीं होने देगा। ये प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाया है। एलईडी बल्ब ही इसी में आप ग्लो करवा सकते हो। अगर आपको सीलिंग फ़ैन में लगाना है तो एक ही ये कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, उससे आप सीलिंग फ़ैन को चला पाओगे। एलईडी बल्ब जो है वो 4 MFD में आप 6 एलईडी बल्ब 9 वाट के लगा सकते हो, 6 से ज़्यादा भी लगा सकते हो फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे। वायर का एक एंड हम कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे, इधर। और एक वायर और ले लेते हैं, ये हम कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। ये हम 3 पॉइंट के लिए वायर लगाएंगे। ये 2 पॉइंट हो गए, 2 एलईडी बल्ब। जिस रूम में आपके ज़्यादा एलईडी बल्ब लगे हैं या फिर बरामदे में कहीं भी आपके लगे हो, वहाँ आप इसको लगा सकते हो। और गाँव देहात में तो अक्सर वोल्टेज कम या ज़्यादा होती रहती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा कारगर है। हमने लगा के रखा है, फुल प्रोटेक्टिव रहता है एलईडी बल्ब के लिए। और ये वायर को ये वाले आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये हो गए हमारे बल्ब के लिए पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। और अब क्या करना है हमको, ये 3 हमने बल्ब होल्डर ले रखे हैं। ये देखिए, इसमें ब्लैक वाली वायर पहले से कनेक्ट करके रखी है टाइम बचाने के लिए। ये न्यूट्रल के लिए वायर है और ये फेज वाली वायर है। इसको बल्ब होल्डर के फेज वाले टर्मिनल पे इधर कनेक्ट करेंगे। जहाँ हाई और लो वोल्टेज होती रहती है, यानी कि वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन रहती है, वहाँ इसको आप लगा सकते हो। हाई वोल्टेज के कारण आपके एलईडी बल्ब जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। और ये 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर बल्ब होल्डर का फेज वाला टर्मिनल है। और अब 3 नंबर बल्ब होल्डर के ये वाली, और इसको भी हम बल्ब होल्डर के फेज वाले टर्मिनल पे इधर कनेक्ट कर लेते हैं। इससे आपका जो बल्ब है वो हाई वोल्टेज से बच जाएगा। ये ऐसे हम इसके बल्ब होल्डर के कनेक्शन कर लेंगे। इसको आप वहाँ लगाइए जहाँ आपके ज़्यादा बल्ब लगे हो, जिस बोर्ड में ज़्यादा बल्ब लगे हो वहाँ आप इसको लगा सकते हो। कैपेसिटर को 4 MFD का कैपेसिटर यूज़ किया हमने। और अब हम इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए हम लेंगे रेड कलर की वायर, ये रेड कलर की वायर इनपुट फेज वाली वायर। इसको हमको कनेक्ट करना है ये वाले स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। ये हमने अलग कर दिया क्योंकि ये कैपेसिटर को, इसको, इनको 3 को पावर मिलेगी कैपेसिटर के थ्रू, और ये रहेगा सेपरेट। यानी कि आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो सॉकेट में, ये इधर सॉकेट है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करया करो। ये हो गया इनपुट फेज कनेक्ट। और अब हम करेंगे इनपुट न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट। इनपुट न्यूट्रल के लिए हम लेंगे ब्लू कलर की वायर, जो कि ये कनेक्ट की है। न्यूट्रल के लिए वायर कनेक्ट कर रखी है। इनपुट न्यूट्रल वाली वायर सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। आप चाहो तो इंडिकेटर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं इसको। और ये हमने इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर ली है। और अब हम क्या करेंगे,
ये जो आप बल्ब होल्डर देख रहे हो, इसमें हमने इनपुट न्यूट्रल वाली वायर नहीं कनेक्ट की थी, उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इंडिकेटर से, यहाँ इंडिकेटर है, इंडिकेटर में न्यूट्रल आया ही है, यहाँ से हम बल्ब होल्डर को न्यूट्रल दे देते हैं, यहाँ से एक बल्ब होल्डर में देंगे, तीनों में पावर न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ से इसको न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। और ये वायरिंग हो गई कंप्लीट। अगर आपके घर में कहीं भी एक अगर लगा है एलईडी बल्ब और वो बार बार ख़राब हो जा रहा है, उसके लिए आप एक कैपेसिटर लगा सकते हो। अगर ज़्यादा एलईडी बल्ब है, जैसे कि इसमें तीन है, आप चार भी लगा सकते हो, पांच भी, छह भी, उसके लिए आप फोर का एक कैपेसिटर लगा दीजिए एक बोर्ड में, वो अच्छे से काम करेगा, जल्दी से आपके एलईडी बल्ब ख़राब नहीं होंगे। और अब हम इसको इनपुट पावर में कनेक्ट करेंगे और ये जो स्विच बोर्ड है इसको सीधा करके आपको ऑन करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने स्विच को सीधा कर लिया है और अब इसकी पावर हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, पावर हमने ऑन किया और ये इंडिकेटर ग्लो करने लग गया है। और अभी हम आपको दिखा देते हैं, हमने कनेक्शन जो है वो वैसे के वैसे, कोई झोल नहीं कर रखा है। देखिए, कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर के थ्रू यहाँ जा रही है, यानी कि सीरीज में हमने कैपेसिटर को लगाया है इसके। और अब हम आपको ऑन करके दिखाते हैं ये वाला स्विच। ये देखिए, 9 वाट का एलईडी बल्ब लगा है इसमें, ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है और दो नंबर ये 9 वाट का एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। और एक हमने इसमें 0.5 वाट का भी एलईडी बल्ब लगाया, ये देखिए ये ग्लो कर रहा है, लेकिन इसको दोनों को ऑफ करना पड़ेगा। देखिए, ये अभी ग्लो कर रहा है। ऐसे में आप अपने बल्ब की प्रोटेक्शन के लिए एक अंदर 4 MFT का कैपेसिटर लगा लीजिए और आपका जो बल्ब है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये होता क्या है कि जो फ्लैक्चुएट होती है पावर में, कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं एलईडी बल्ब के, इसलिए एलईडी बल्ब जल्दी जल्दी ख़राब होता है। ये लगाने के बाद आपका एलईडी बल्ब जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।